प्रभु ऊपर देखिए वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। अब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मोदक मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुंचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद है। अच्छा नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे सरपट।
मूषक गण सब भागे सरपट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्र तुंड कजरारे लोचन झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन गणेश ये क्या हो रहा है शोर मत मचाओ तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा जो आज्ञा माँ और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन प्रणाम आचार्य चिरंजीवी भव मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ क्षमा करे ऋषिवर वो योग साधना में लीन है आप उनके दर्शन नहीं कर सकते मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ उनके दर्शन करना अति आवश्यक है उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं आप फिर कभी पधारिए तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा यह असंभव है मुनिवर अरे नादान बालक तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें घोर अपमान आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में आगे मत बढ़िए बहुत साहसी है ना तू बालक अब मेरा प्रहार सहन कर प्रभु ये तो शिवजी का परशु है
परशुराम। क्षमा करे भोलेनाथ, क्षमा करे, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करे? माता पार्वती क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे यह अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी, और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। रुक जा गम, पिछली बार क्या हुआ था तुझे याद है ना? अगर नंदी को फिर से गुस्सा आ गया तो तुझे ऐसी मार मारेगा कि तू जो टूटा फूटा बोलता है ना वो भी बंद हो जाएगा। तुझे मजा आ रहा है? अरे मजा सजा में बदल जाएगी यार। सामने आए यहाँ नीचे हा? नीचे वो गलती से आपको लग गई, क्षमा करे। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे मूषक, तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं प्रभु, मैं भी नहीं जानता ये कौन है। चंचलासुर, चंचलासुर नाम है मेरा, और तूने मुझे जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है मूर्ख, मैं तुझे यही मार दूंगा। चंचलासुर। अरे ये भी कोई नाम हुआ, चंचलासुर। तेरा ये दुस्साहस, तू है कौन? मैं हूँ बाल गणेश। चलो अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, शुरुआत तुमसे ही करता हूँ, और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार के कैलाश पर राज करूँगा। चंचलासुर, पहले मुझसे तो निपट, फिर मेरे पिता के पास जाना। अरे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पहले अपनी ताकत और मेरी ताकत तो देख। देखा मेरी ताकत का पराक्रम? चंचलासुर, अगर यही ताकत तुम लोगों की भलाई में लगाते तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाता। तू मेरा उद्धार करेगा? मारो मारो, मेरी अंतर इच्छा है कि तुम मुझे मारो। चंचला। अरे रे। क्या क्या हुआ?
चंचला तू तो गया। चंचला सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। जिंदा हूँ तब तक कोई बाल गणेश को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक तो है बाल गणेश? नंदी, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। जी प्रभु। प्रभु मुझे नीचे उतारिए। आओ मुशक, आओ। प्रभु बहुत भूख लगी है, चलो ना घर जाके माँ के हाथों के मोदक खाएं। मोदक? चलो। अरे मेरे लिए रुको। अरे अगम, कितनी बार कहा है नंदी को गुस्सा मत दिला, पर तू मेरी बात सुनता कहा है? अब लटके रहो यहाँ पर। क्या ऐसी बोल रहा है? बोलो बाल गणेश जी, बचाओ हमें। महादेव, प्रभु, नंदी जो कह रहा है क्या वो सत्य है? आपने सत्य सुना है पार्वती, हम सभी मिनास पर्वत पर रहने जा रहे हैं। कारण? बोलिए ना महादेव, क्या है इसका कारण? कारण है ऋषि दर्शन को दिया हुआ वचन। वचन?
कैसा वचन पिताजी? दर्शन ऋषि और उनके साथी गुरुजनों को लगता है कि हमारे यहाँ होने से बकरासुर उन पर और ऋषिगणों पर आक्रमण करता है, उनके तप में बाधाएं डालता है। इसी कारण उन्होंने मुझसे यहाँ से चले जाने का वचन लिया है। ये क्या बात हुई? ये तो भक्षक के बजाय रक्षक को ही दंड देना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपना घर छोड़ना होगा। माँ, आप ये सब छोड़िए और मेरे पेट पर ध्यान दीजिए। मोदक खिलाइए जल्दी से, बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। यात्रा? कौन सी यात्रा? मिनस पर्वत पर घर बनाना है तो उचित स्थान खोजने जाना होगा ना माँ, है ना पिताजी? तुम बड़े नटखट और शरारती हो गए हो बाल गणेश। ये तो कुछ नहीं पिताजी, असली शरारत तो अभी बाकी है। बाल गणेश, आजकल तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो, अब किस शरारत की बात कर रहे हो तुम? बच्चों की अपनी कुछ गुप्त बातें होती है पार्वती, जो गुप्त रहे तो अच्छा। क्यों गणेश? जाओ पुत्र, कार्य में सफल हो। भैया, मिनस पर्वत पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक मजेदार उपाय है, क्यों ना हम सब वहां दौड़कर पहुंचे? जैसा तुम कहो छोटे, मैं तैयार हूँ। तो तय हुआ, मैं और तुम अपने अपने वाहनों पर जाएंगे, बाकी सब अपना हिसाब किताब देख ले। मेरे विचार से ये निर्णय उचित नहीं है प्रभु, सब थक जाएंगे। ये दो बातें बोल रहा है, पहली ये कि ये दौड़ने के लिए तैयार है, दूसरी ये कि नंदी इतना आलसी क्यों है। जी मच्छुराव नंदी महाराज, दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। काम हो गया? जी प्रभु। बहुत अच्छे। एक, दो और तीन। भैया, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा छोटे, इस स्थान की खूबसूरती जल्दी इतिहास में लिखने जाने वाली है। माँ सही कह रही थी, तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो। नहीं, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये कौन है छोटे? इस तरह आने वाला और घूर के देखने वाला दोस्त तो नहीं होगा, परंतु शत्रु अवश्य हो सकता है। शत्रु? क्या इन्हें पता नहीं जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। टूट पड़ो। सहायता करो प्रभु। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे। अरे वाह, ऐसे भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है? लड़ाई ताकत और घमंड से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है दोस्तों। छछंदरों से जीत कर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है बाल गणेश। तुम्हें क्या लगा बाल गणेश, मैं तुम्हें मीनस पर्वत की गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने दूंगा? कदापि नहीं, वो सारी सिद्धियां अब मेरी होंगी। स्वागत है तुम्हारा वक्रासुर, किंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस जाओगे। अर्थात? अर्थात ये असुर राज, मीनस पर्वत पर कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। मैंने ऐसा खेल तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खेला था। पहेली मत बुझाओ गणेश,
साफ साफ बोलो। तो सुनो बकरासुर, मैंने ही मूषक राज के हाथों दर्शन ऋषि को ये बात पहुंचाई थी कि मीनस पर्वत पर अद्भुत शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। मुझे पता था ये सुनकर तुम यहाँ अवश्य आओगे। अब आ गए हो तो अपनी गलती की क्षमा मांग लो और लौट जाओ। क्षमा? और मैं? वो भी तुमसे? तुम सबको तो मैं चींटियों की तरह मसल दूंगा। आक्रमण! आक्रमण की तैयारी करो। रुक जाइए प्रभु, क्या आप हमें एक और अवसर नहीं देंगे? मैं वचन देता हूँ, इस बार युद्ध में हम बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है नंदी महाराज, यदि आप इनसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। वैसे भी मेरा और भैया का भी आराम करने का मन है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या बोल रहा है बगम? मुझे लगता है ये तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है। तो इसे भी अकल आ ही गई। हाँ, देख क्या रहे हो तुम सब? आक्रमण करो, मार डालो सबको। शिव वाहन नंदी, वाहन का काम अपने मालिक को सैर करवाना होता है, लड़ना नहीं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है, किंतु साक्षात यम के स्वरूप महादेव के वाहन नंदी से नहीं। तुम ठीक तो हो? बहुत हुआ बच्चों का खेल। यदि हिम्मत है तो तुम दोनों भाई मुझसे लड़ो। दोनों से लड़ने की क्या आवश्यकता है राक्षस राज, मुझसे ही लड़के देख लो। तो आ, मुझे मार और जीत, नहीं तो मैं तुझे और तेरे साथ साथ तेरे भाई, मित्रों, पिता महादेव और माँ पार्वती सबको अपने पैरों से कुचल कर मार डालूंगा। आ, मार मुझे। क्या हुआ बकरासुर भाई? तू तो गया। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। क्या छोटे, इस बार भी तुमने मुझे राक्षस को मारने का मौका नहीं दिया। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम्हें तो मैं मना लूंगा, बस माँ से कुछ मत कहना। मुझसे कुछ छुपाकर तुम जाओगे कहाँ बाल गणेश? माँ को अपनी संतान के बारे में सब पता चल जाता है, ऐसी जान मुश्किल में डालने की क्या आवश्यकता थी? माँ कान छोड़ो ना, उखड़ जाएगा। अपने अपराध की हम क्षमा मांगते हैं महादेव। हम गलती कर बैठे थे जो अपने रक्षक प्रभु के बजाय भक्षक राक्षस की बातों में आ गए। ये तो बाल गणेश है जिन्होंने हमारे हाथों पाप होने से रोक लिया। एक बात हमेशा याद रखिए ऋषिवर, लोमड़ी, सांप और बुरे व्यक्ति का कभी विश्वास मत कीजिए। अवसर मिलते ही ये सब मृत्यु का कारण बनते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हैं बाल गणेश। बाल गणेश की जय! बाल गणेश की जय! बाल गणेश की जय!